आगे थोड़ी हेलो पकड़ के फिर पास में चला गया हमें भी ले पाया उसको बहुत दूर जाना है साथियों हमारे ये बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं देने जा रहा हूं और कोशिश करेंगे कि मेरा भाषण थोड़ा से छोटा हो सके मजदूर रखे जा रहे हैं
वो किसी भी जाति के हो, किसी भी समाज के हो, उनका शोषण बढ़ता चला जा रहा है। इस शोषण का अंत होना ही चाहिए। कोई भी सरकार दुनिया में जो डेमोक्रेटिक सरकार, उसकी सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि अपने नागरिकों को रोजगार देना। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि जो घटता हुआ रोजगार है उसके ऊपर शिकर करें और जो निजीकरण का सिलसिला है उसे बंद किया जाना चाहिए। दिल्ली सरकार जो चल रही है 20% कर्मचारियों और इकाइयों के बदौलत चल रही है। 70% वैकेंसी खाली पड़ी हुई है और 20% ठेके पर लिया गया है। इस तरह से कुल मिलाकर के 50% से ज्यादा कर्मचारियों और अधिकारियों के बदौलत सरकार चल रही है। इसका क्या मतलब? जिस तरह से इस देश में बड़े बड़े पूंजीपति पैदा होते जाए, दूसरे तरफ भारी पैमाने के ऊपर बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। भारत देश सामाजिक असमानता में दुनिया में प्रथम स्थान रखता है आज भी तक, लेकिन अब आर्थिक असमानता में भी प्रथम स्थान रखने लगा है। ये बड़े दुर्भाग्य और दुख की बात है और ऐसा देश कभी महाशक्ति नहीं होता। एक तरफ गरीबी, एक तरफ अमीरी होती जो जा रही है, ये देश के लिए नहीं। कुछ लोग कहते हैं आरक्षण कब तक आपको चाहिए? हम कहते हैं कि जाति व्यवस्था जब तक है तब तक हमें आरक्षण चाहिए। जाति समाप्त कर दो, आरक्षण नहीं चाहिए। समाज में आरक्षण है, धर्म में आरक्षण है, तो सरकारी नौकरी में आरक्षण आ गया तो तकलीफ होती है, पेट दर्द करता है। जो 5000 वर्षों से आरक्षण लेकर के बैठे हुए हैं उनके आरक्षण पर तो अंगुली हम नहीं उठाते हैं और 70 वर्ष में जो आरक्षण थोड़ा बहुत मिला है वो इनके लिए पेट दर्द बन जाता। अरे मंडल कमीशन 1992 में लागू हुआ और 13-12% ही अभी तक पिछड़ों को नौकरी मिली है, उसके पहले ही सरकारी विभाग में नौकरी समाप्त करी जा रही है। इसके मतलब उनका आरक्षण मिला ही नहीं, उसके पहले ही सरकारी नौकरियां समाप्त हो रही। उस मंडल कमीशन को पिछड़े वर्ग का क्या भागीदारी नहीं होनी चाहिए? लोग कहते हैं कि आरक्षण से दक्षता के ऊपर असर पड़ता। मैं प्रतिज्ञप्ति में भी और अपने घोषणा पत्र में भी ज्ञापन में भी मैंने लिखा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अश्विनी देशपांडे अमेरिका के मिशिगन यूनिवर्सिटी के साथ या कोऑर्डिनेशन में अध्ययन किया है रेलवे डिपार्टमेंट का और उस रेलवे डिपार्टमेंट के अध्ययन के बाद निष्कर्ष पर पहुंचे कि आरक्षण से उत्पादकता के ऊपर शासन प्रशासन में प्रतिकूल असर नहीं पड़ा है, बल्कि आरक्षण जहां हुआ, जहां कर्मचारी 80-80 ज्यादा थे वहां उत्पादन बढ़ना खड़ा हुआ है, वहां सरकारी विभागों में का असर हुआ। तो मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूं जो लोग ये कहते हैं कि आरक्षण से निगम आपन फायदा होगा, आरक्षण से उत्पादन के ऊपर असर पड़ेगा। मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ कि आज तक एक भी अध्ययन ऐसा नहीं हुआ पूरे देश के अंदर की आरक्षण से भर्ती होने पर सरकारी
हमारे विभाग के अंदर कोई प्रशासन है, दक्षता में कोई फर्क। और इसके लिए जवाब मैं आपको आपके माध्यम से हम सबको पूरे आरक्षण विरोधियों को जवाब देना चाहता हूं कि आरक्षण से देश आगे गया है, आरक्षण से देश पीछे नहीं गया। इतने बड़े नेता मुझे मिलते, मैंने कहा आरक्षण ने तो देश को बहुत आगे बढ़ाया, वो मैं चौके क्या हो कैसे, हमने कहा 1921 में मैसूर और मद्रास में आरक्षण मिला, 1935 में त्रावणकोर में, 1935 में ही मैसूर में, और 1902 में आज के महाराष्ट्र उस समय के कोल्हापुर की रियासत में आरक्षण मिला। और ये चारों के चारों राज्यों का विकास उत्तर भारत के राज्यों के विकास से कहीं ज्यादा अच्छा है, इसलिए वहां पहले आरक्षण मिल गया था, इसी वजह से उनका विकास हो पाया। ये व्यवहारिक उदाहरण दीजा फर्स्ट आरक्षण भेद आरक्षण वाले ब्लूप्रिंट देखो। और फर्स्ट दो स्टेट है डेवलप मोर कंपेयर टू द स्टेट वो गार्ड रिजर्वेशन आफ्टर द इंडिपेंडेंस आर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ये प्रमाण और ये साइंटिफिक स्टडी है, ये जो प्रोफेसर थे अधोनी देख पा रहे हैं। और तमिलनाडु में रिजर्वेशन 69% तक है, तमिलनाडु उत्तर प्रदेश बिहार हरियाणा यहाँ तक कि पंजाब मध्य प्रदेश राजस्थान से कई मामले में आगे हैं। तो ये उदाहरण है समझने के लिए कि आरक्षण से समाज की तरक्की हुई है, आरक्षण से देश की एकता मजबूत हुई। जब सिकंदर ने भारत के ऊपर हमला किया और तभी से हमारा पराजय का इतिहास बनता चला गया, लगभग 2000 वर्ष तक न्यायाधीश गुनाह रहा और 1947 तक किसी न किसी का गुनाह रहा, लेकिन 1947 के बाद के भारत को किसी ने गुलाम बनाने को सोचा भी नहीं है, इसलिए कि सत्ता में भागीदारी कमोबेश महिलाओं का भी है, दलितों का है, पिछड़ों का है, अर्थात देश में एकजुटता बढ़ी है, देश की अखंडता मजबूत हुई है, देश में एकता बढ़ी है, क्योंकि शासन प्रशासन में इन वर्गों की भी भागीदारी हुई है, इसीलिए देश आज बढ़ता चला जा रहा, मजबूत होता जा रहा है। और जो आरक्षण विरोधी है वो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो आरक्षण विरोधी है वो नहीं चाहते कि भारत की तरक्की हो, जो आरक्षण विरोधी है वो देश के विकास को नहीं चाहते, उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है, वो अपना विकास चाहते हैं। वो बता दें कि 2000 वर्ष तक तो आरक्षण नहीं था, क्यों देश गुलाम था। न्यायपालिका इस देश की गरीबों की दुश्मन बन गई, मजदूरों की दुश्मन, आरक्षण की दुश्मन, और इस न्यायपालिका से कोई उम्मीद नहीं होना चाहिए। भारत के संविधान में जो विधान है उसके उससे बाहर जाकर के इस देश का सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट काम कर रहे हैं। इस देश के अंदर संविधान के अंदर ये प्रावधान नहीं है कि जज बनाएंगे, लेकिन भारत दुनिया के अंदर भारत ही ऐसा है जहां पर जज ही जज बनाते हैं। भैया दुनिया में किसी देश में ऐसी अंधेर गंदगी और गुंडागर्दी जज और जज को बनाते हैं, तो क्या आज गरीब आदमी मध्यम वर्ग का आदमी सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट में जा सकता है, जहाँ 1-1 करोड़ रुपया 2 करोड़ 10 करोड़ 5 करोड़ 5 लाख 10 लाख वकीलों की फीस हो, यही सब
सब जो कैदी हैं इस देश के अंदर जेलों में पड़े हुए हैं वो दलित समाज से हैं, पिछड़े समाज से, अल्पसंख्यक से हैं। इस आंकड़े से भी पता लगता है कि ये अन्यायालय है, ये न्यायालय नहीं है, ये जस्टिस नहीं है, इनजस्टिस है। इसलिए पोलिटिकल सिस्टम जाना चाहिए और गोलियों नियुक्ति में सरकार का संसद की भागीदारी होना चाहिए, संसद के माध्यम से इन जजेस की नियुक्ति किया जाना चाहिए। अरे 700 करोड़ की जनता के फैसले को धोखे की बदल देते हैं ये दो व्यक्ति, दो जज संसद के भी फैसले को बदल देते हैं। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन मोदी जी की सरकार ने बनाया और 5 जजेस की पीठ ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को नियंत्रण कर दिया। अरे भाई 5 आदमी और 750 करोड़, 5 750 करोड़ पर भारी है। मैंने अमेरिका में देखा कई देशों में, मैं इंडिया पुलिस वहां पर नॉर्थ कैरोलिना तमाम प्रदेशों में मैंने अमेरिका में देखा, वहां पर जजेस की जो नियुक्ति होती है चुनाव के द्वारा होता, जनता के द्वारा चुन करके आते हैं। यहाँ तो जनता की बात सुनते ही ऐसा मीडिया में दिया है रास्ता, जजेस भी करते हैं। अरे वहां तो डेमोक्रेटिक पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार जीत करके आते हैं और जज बनते हैं। तो यहाँ पर सरकार की भूमिका क्या, जजेस की नियुक्ति होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इस व्यवस्था को हम इनकार करते हैं। जिस तरह से जजेस की भर्ती का तरीका बन गया है, इस तरीका का हम निंदा करते हैं कि जज को जज बनाने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। निजी क्षेत्र जब पदोन्नति में आरक्षण, जब की सरकार ने 85वां संवैधानिक करके पदोन्नति में आरक्षण दिया था, ये सुप्रीम कोर्ट के छीनने का काम किया। ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जानकारी गरीबों के दुश्मन जब बैठे हुए हैं, ये नहीं काम कर रहे, मजदूरों के भी फैसले हारे जा रहे हैं। चाहे रेल पटरी वाले का हो, चाहे सफाई कर्मचारियों का हो, ये सब वक्त में हारे जा रहे हैं। सफाई कर्मचारियों का जितना बेतहाशा शोषण हुआ है इस देश के अंदर, सर किसी वर्ष का नहीं है। और 1997 से सफाई कर्मचारियों की समस्या को हम उठाते चले आ रहे हैं। इस बार सफाई कर्मचारी के नुमाइंदे हमारे बीच आए, लेकिन नहीं मिले तो 20 साल से लगातार हम उनकी मांग को उठाते चले आए। एक तो वो ऐसे पैसे में लगे हुए हैं जिस पैसे को सम्मान से नहीं देखा जाता, और दूसरी तरफ इतना कम वेतन मिलता है, इतनी कम मजदूरी मिलती है कि कैसे उनकी जिंदगी का गुजारा होता हो। इसलिए मैं समझता हूँ दुनिया में सबसे ज्यादा जो भर है वो का इसके लिए सरकार की नीति जिम्मेदार है। एक किसी के मगर नगर निगम की लड़ाई से इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं। इसलिए मैंने अशोक गहरा की वीरेंद्र पाटिल जी से इन लोगों से कहा, हमने कहा भैया इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाना पड़ेगा। पूरे देश से चल के आए हुए, दिल्ली से चल के आए हुए, मतलब 10 मिनट के लिए मैं आपका और शांति आपकी धैर्यता चाहता हूँ। केवल 10 मिनट के लिए मैं चाहता हूँ कि आपकी धैर्यता, जब आप वहां से चल करके आए हैं तो कम से कम निष्कर्ष तक तो रखिए। पीछे के साथी लोग जानते हैं ये भूखे प्यासे हैं, लेकिन मैं उसे आग्रह करता हूँ कि क्या 10 मिनट तक नहीं बैठ सकते हो तो क्या जिंदगी दोगे, क्या भूख हड़ताल करोगे, क्या जेल
मैं अपनी जान अपने जान की कुर्बानी करने तक की बात से शुरुआत किया, ये 15 मिनट नहीं दे सकते हैं। तो भाई ये क्या अधिकार हो गया और रही में आने का आपका मकसद क्या है? भाई रही में आने का मकसद यह है कि हम अंतिम समय तक डटे रहेंगे, किसी भी परिस्थिति में पानी पड़े, बरसात हो, जाड़ा हो, भूख लगी हो, किसी भी परिस्थिति में अरे रहने के लिए यहाँ आए हुए हैं। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है। मैं देख रहा हूँ हजारों हजार लोग पीछे खड़े हुए हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं उन हजारों लोगों से कहूंगा, बसों में क्या दे बैठे थक गए हैं? अरे ऐसे थकने वाले युद्ध नहीं जीतते हैं, जंग नहीं जीतते हैं, सुख नहीं प्राप्त कर सकते हैं, सम्मान नहीं प्राप्त कर सकते, अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये हमें थोड़ा सा कुछ लोगों के ऊपर तकलीफ है। मैं उनसे आग्रह करूंगा, ज्यादा देर के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए मैदान के अंदर आ जाना चाहिए उनको। 15 दिन में ना भूखे मर जाएंगे, ना उनको घर पहुंचने में बड़ी देरी हो जाएगी। ये कोई बात हम यहाँ आपसे नहीं मांग रहे हैं। इसलिए जो सारे लोग पसों में या मैदान में पीछे घूम रहे हैं, उन सब लोगों से कहूंगा कि मैदान के अंदर आकर के थोड़ी देर के लिए आखिरी बात को सुनकर के यहाँ से जाए। आप लोग भी बढ़ जाइए, इधर भी लोग बैठ जाइए। हमारे जो मुख्य मांगे हैं, जो मुख्य मांगे हैं वह है पदोन्नति और निजी क्षेत्र में आरक्षण। आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? दूसरा, आरक्षण कानून बनाओ। तीसरा, न्यायपालिका में आरक्षण। न्यायपालिका का आरक्षण समर्थन करते हैं। एक खाली पदों के ऊपर भर्ती, ये सरकारी नौकरी में ठेकेदारी प्रथा बंद,
संजयराज जी, बाबूलाल जी, जिनसे रात दिन ये सोते नहीं थे। यहाँ पर हमारे सुनीता जी भी हैं, अभी अभी पता लगा सुशील प्रमाण जी भी आए हैं, एक इन्होंने करियप्पा जी भी रहे हैं। जिनका सर्वाधिक योगदान रहा, ऐसा नहीं है कि न्याय नहीं होता। मंच पर बैठने से कोई नेता नहीं बनता। अगर मेरी जरूरत न हो यहाँ तो मैं लोगों के बीच बैठता हूँ, और इन लोगों के बीच में बैठे बैठे यहाँ आया हूँ। अपने मुद्दे पर संगठन बनाया, किसी के आशीर्वाद से संगठन मैंने नहीं बनाया है, और किसी से सीखा भी नहीं है। काम किया, गलतियां हुई तो सीखा है, और संगठन बनाया तो लोगों के बीच में रहकर के संगठन बनाया है। और मैं किसी के मंच पर जाकर के बोलना पसंद नहीं करता, और लोग नारा आते हैं मजबूरी वक्त आ जाता हूँ। लेकिन हमने इतना बड़ा मंच देश में बनाया है कि हमारे खुद के कार्यक्रम कर जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारे कार्यक्रम खुद ही कर जाते हैं। और ये मंच हमने 97-98 से बनाना शुरू किया। आज भारत के तमाम जिलों में, राज्यों में इसकी कड़ी है, और साल भर से डिमांड आती रहती है मीटिंग कराने, सवाल कराने के लिए। उसके लिए मैं शायद समय नहीं निकाल पाता हूँ। मैं ऐसा ही चाहूंगा जो हमारे मंच पर नेता हो। मुझे बहुत तकलीफ की बात करना, अभी एक मीडिया के साथी ने कहा अब तो आपको खुद हो जाना चाहिए, आपकी तो रही बहुत बड़ी हो गई है, समाज आपसे जुड़ने लगा है। अब मैं अभी पूरा खुश नहीं हूँ, जब तक कि मैं पूरा दिल्ली में जाकर दूँ, पूरा दिल्ली नहीं जान दिया है, और पूरा दिल्ली का काम करेंगे। जब ये लोग अपने अपने प्रदेश सम्मेलन कराए, जिला सम्मेलन कराए, साथ में एक बार रही का दृष्टि ही एक ही है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूँ, आप लोगों से कहूंगा कि आपको ही लड़ना, किसी और को लड़ना नहीं है। मैं दो अंत में दो बार बहुत जरूरी करते हुए बात, एक जो धारा बनी हुई है हमारे नेता हमारे एमएलए एमपी नाराज है कुछ नहीं कर रहे। जिस दिन आप एमएलए एमपी को भूल जाओगे उस दिन आपका कल्याण हो। हमने हर कर्मचारी लेकर बंदूक पाए हुए एक नेता कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन्हें नौकरी छोड़ देना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि आप ही नौकरी छोड़ो। एक एमएलए है, एक एमपी है, कोई बीजेपी की नौकरी नहीं कर रहा, कोई आम आदमी पार्टी की नौकरी नहीं कर रहा, कोई कांग्रेस की नौकरी नहीं कर रहा, वो अपनी नौकरी छोड़ रहा है, नौकरी नहीं छोड़ रही, उसका कर रही है नौकरी नहीं छोड़। आखिर वो भी तो नौकरी कर रहा है। दूसरी बात, ये दलित समाज, पिछड़ा समाज दलित नेता को तब याद करता है जब कोई मुसीबत होती है। जब वोट देना होता है तब कांग्रेस नजर आती है, समाजवादी पार्टी नजर आती है, और एनसीपी नजर आती, बीजेपी नजर आती, तब दलित नेता नहीं नजर आते। अगर वोट के समय में जैसे दलित नेता और पिछड़े नेता नजर आने लगेंगे, उसी दिन समस्या का समाधान हो जाएगा।
समाज को लेकी बनाते रहे, समाज को स्वार्थी बनाते रहे और हमें
वंचित रहे हैं, आरक्षण ही है। ये लोग जिसने इनको सम्मान की जिंदगी दिलाई, आरक्षण ही है। जिसने शिक्षा दिलाई इनको, आरक्षण ही है। जिसने बुद्धि दिया है, आरक्षण ही है। जो देश को मजबूत करने का काम किया, आरक्षण से ही बातचीत पार हुई, बाई पार बनी है। उसी से भारत की अर्थव्यवस्था आगे गई है, उसी से उत्पादन बढ़ा है, उसी से मांग बढ़ी है। इसलिए आरक्षण हमारे लिए जीवन और मरण का फल है। और दूसरा संकल्प हम आपके साथ लेना चाहते हैं कि विकास अगर आप ये कर सकते, दलितों में हजारों जाति हैं, इन सच्चाई को हम इनकार भी कर सकते। क्यों ना आज संकल्प में हम कि अगर हम वाल्मीकि हैं तो समाज हमारा नेतृत्व स्वीकार करे। अगर समाज है तो उसका नेतृत्व वाल्मीकि स्वीकार करे। अगर छठी है तो उसका नेतृत्व बासी स्वीकार करे। बासी है तो उसका नेतृत्व छठी स्वीकार करे। समाज जुड़ जाएगा, समाज जुड़ जाएगा। लेकिन आज छठी का नेता छठी, बासी का नेता तो आज भारत की तस्वीर कुछ और होती। भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता है, उन्होंने कहा कि अगर मेरी जाति में आप पैदा हुए होते, ये जयमान जाटो जी हैं उनके घर पर कहा कि मेरी जाति में अगर आप पैदा हुए होते तो आज बसपा भी ना होती, मायावती भी ना होती, कोई दलित नेता नहीं, नेता ना होता, सिवाय योग्यता है उसके आधार पर कोई नेता जिंदा ही नहीं रहता। और इस देश की तस्वीर कुछ और ही। मैंने कहा मेरी क्या गलती, मैं किस जाति में पैदा हुआ, मेरी गलती। फिर भी मेरी जाति खोलते रहे, खोलते रहे, खोलते रहे। और जो जाति का नेता होता है उस जाति को सबसे बड़ा, उस जाति का सबसे बड़ा जहर वही, उसी जहर को जाति नेता बनते रहे। समाज टूटता है, समाज की एकता नहीं बने, आरक्षण का पक्ष खत्म। ये इस बात से असहमत है कि जाति के नेताओं ने ही जाति को बर्बाद किया, किसी दूसरे नेता ने बर्बाद नहीं। जो जाति का भी नेता होगा, किसी जाति उसके साथ होगी, दूसरे को नहीं माने। तो हजार जाति है, हजार नेता हो, अब एकता टूट गई। जब एकता टूट गई तो हमने अधिकार को कोई भी टूट गए। और ये हुआ है पदोन्नति में आरक्षण कब छिट गया, इसके वजह से छिट गया। और सौसिंग क्या हुई, इसके वजह से हुआ। प्राइवेटा के सब क्यों हुआ, इसके वजह से हुआ। इसी को वजह से तो हुआ। अगर एक संकल्प आप ले लेते देश के खातिर, दलित अधिकार बचाने के खातिर, मानवता के खातिर, तो इस दलित समाज, इस देश का दोनों का भला हो जाता। दलित का विकास, इनका का विकास, मतलब देश का विकास, महिलाओं का विकास। एक केवल ही का विकास नहीं होता। जातियों में जो बढ़ गया है समाज, उसी को लेकर हमारा आरक्षण समाप्त हो गया। हमने महिला परिषद का स्थापना किया, उसकी होनी चाहिए जो अधिकार उसको होना चाहिए, वही आ जाती, वही अधिकार महिलाओं का भी होना चाहिए। अम्बेडकर आदि आंदोलन का यही यही बात है, यही सत्य है। लेकिन होता ऐसा है, हम कुछ भी अपने महिलाओं के साथ वही व्यवहार करते जैसे दूसरे लोग। इसलिए महिला परिषद की स्थापना हमने की है। हमारी सरकार कार्यालय जी हैं, पूरे देश में भ्रमण करती हैं, इकट्ठा करने की कोशिश शुरुआत हुई है। अपने महिलाओं को, अपने लड़कियों को के ऊपर चरित्र की कठिन
उनको बाहर निकालने की आजादी दो, पढ़ने की आजादी दो, देश को निर्माण होने दो, उनकी मानवता को विकसित होने दो। देश के अंदर महिलाओं को वस्तु की वस्तु माना गया है, उनको उपहार के रूप में माना जाता है, उन्हें ऑब्जेक्ट माना जाता है, उनके चीज माना जाता है। हमारा एनसो रिक्वायर है, हमारा यूथ लाखों की संख्या में इस देश में, लेकिन कर्मचारी अधिकारियों से मैं आप हमेशा मैं आप लोगों से हमेशा अनुरोध करता रहता हूं कि वो अपने बेटे को दो, अपनी बेटी को दो, लेकिन वो अभी तक हो नहीं पा रहा है, इसलिए नई फसल को आपको खड़ा करना पड़ेगा। यह लड़ाई लंबी है। मैं समझ रहा हूं कि समय आपका धैर्य टूट रहा है। अंत में कुछ जो बहुत से मूल्य का उसके ऊपर जो खर्च सोच रही बात को मैं समाप्त करूंगा। जितने लोग मोबाइल पर को इस्तेमाल करते हैं फेसबुक ट्विटर के लिए, अपने मोबाइल को मान के सारे लोग मोबाइल को खोलें, अपने मोबाइल को खोलें और पहले फेसबुक पर जाइए, आप पहले फेसबुक पर जाइए और उसके ऊपर पर्सनल आलमगीर टाइप करिए। पर्सनल आलमगीर टाइप करके जितने लोगों ने आज यहाँ पर बनाया है वीडियो बनाया, सबके सब लोग अपलोड करो। आपको कंप्लेन किया गया है हमारा व्हाट्सएप 9899706003 ऊपर कंप्लेन में है, वीडियो बना बना के हमारे पास भेजिए, हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। एक बार की बात हमें फिर कराया जाता, पिछले वर्ष ओलंपिक गेम हुआ, जमैका का जो खिलाड़ी है उसे गोल्ड, उसको 9 गोल्ड मेडल मिला। उसके ट्रेनर ने इंटरव्यू किया कि जब उसे गोल्ड जब उसे गोल्ड तैयारी कर रहा था ओलंपिक के लिए, डरा हुआ था, उसके पास खाने को नहीं था, उसके गुरु ने कहा कि दोनों वक्त भीड़ को खाओ और खाया और 9 गोल्ड मेडल मिला। मैं कहा जा रहा हूं, 2 मिनट में हमने 2 मिनट का ट्वीट होने दिया था, 2 मिनट का ट्वीट किया और सुबह हमारा घर मीडिया से घेर लिया। ट्विटर पे इतनी ताकत है, पर्सन ए आई पर्सन ट्विटर है, रीट्वीट कर दिए तमाम सारे आप हमने यहाँ पर रीट्वीट किया है, जितने लोग हैं सब रीट्वीट कर दिए, इनको सबको रीट्वीट करके। तो हमारा फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब चैनल है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, दलित दफ्तर भी हमारा, मैं सब फैला रहा दलितों का, नेशनल दफ्तर भी है। सोशल मीडिया के बगैर आपका गुजारा नहीं हो सकता है, इसलिए इसको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा मानो। साथियों, इस बार के रनिंग का 2 ही संकल्प मानो के अलावा 2 संकल्प मैंने आपको दिलाया है। एक तो दलितों के अंदर जात पात समाप्त कर दो, बेहतर होगा कि गैर जाति को अपना नेता बनाओ तो जाति अपने आप हो जाएगी। अगर जातियों के नेता बने रहे, एकता कभी नहीं होने वाली है, और एकता नहीं होगी तो आपका सब कुछ जो दिया है सब खत्म हो जाएगा, पता है ये भी। दूसरा, अपनी जिम्मेदारी आउटसोर्स मत करिए, नेताओं के ऊपर निर्भर मत करिए। आज के बाद लड़ेंगे आप, बचाएंगे समाज आप, जिस तरह से हमारे जाट भाइयों ने किया है,
नीरज चौधरी हैं। आई विल टेक इशू फ्रॉम दिल्ली एनसीआर रिपोर्ट दैट मे वेट फॉर 2 or 3 डेज। लेट मी क्लियर अदर स्टेट्स those who are about to return tomorrow or after tomorrow, I will meet them today only. Tomorrow also. Police शुरू कर दिया. These remarks once again, I congratulate you. I may not have named many person who have worked, जो हमने धरती पर काम किया है, वो हमें पता है धरती पर कितने काम किया है। और किसने कितने लोगों को बुलाया, एक एक चीज की बात हमारे यहाँ होती है कि बात का एक सिस्टम होता है, हम नए देने में विश्वास करते हैं। इसलिए उनके लिए भी उतना ही मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। सुंदर लग रही है ना इन बातों के साथ। जय श्री।